हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज सीखने वाले हैं कि एक्सेल का एक फंक्शन जिसे हम कहते हैं फ्रीज पेन। तो चलिए शुरू करते हैं हाउ टू यूज फ्रीज पेन। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे एक एक्सेल सीट ओपन है। तो यहाँ पे जो टैब्स है, अलग अलग टैब्स है, होम, इंसर्ट, पेज। तो यहाँ पे व्यू टैब है, इसके नीचे एक है फ्री पेन्स। ओके, फ्रीज पेन्स के अंडर तीन और ऑप्शन है, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ओके, तो फ्रीज पेन्स का जो फंक्शन है, इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, अगर हम बड़ा सा डेटा है, कोई बड़ी एक्सेल सीट डेटा में हम काम करना चाहते हैं, तो उसका फ्रीज पेन काम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज पेन काम कैसे करता है, तो पहला वाला देखेंगे हम, पहले हम काम करेंगे, दूसरा तीसरा देखेंगे, इजी है। ओके, और पहला वाला हम बाद में समझाएंगे। ये क्या कह रहा है, फ्रीज टॉप रो, यानी कि ये जो ऊपर वाला एक्सेल में जो भी पहला वाला ये जो कॉलम है, ओके, तो ये क्या करेगा, वो फ्रीज करेगा। ओके, जैसे कि हमने क्लिक किया यहाँ पे, देख पाते हैं, अगर मैं यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करता हूँ और मैं बोलता हूँ फ्रीज टॉप रो, तो देखिए आप जहाँ पे लिखा है ये डैशबोर्ड मास्टर फाइल, ये ऑटोमेटिकली उसको फ्रीज पेन लग गया। ओके, तो यहाँ पे मैं दोबारा निकालने के लिए उसको अनफ्रीज करता हूँ। अगर मुझे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो भी पहला कॉलम है वो ऑटोमेटिकली फ्रीज पेन्स होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, हमें फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टैप करके यहाँ पे लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर वाला जो कॉलम है उसको फ्रीज पेन लग चुका है। ओके, तो नेक्स्ट है गाइस, मैं इसको फिर से अनफ्रीज कर देता हूँ। अभी सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये वाला है फ्रीज पेन्स, यानी कि कीप रोज एंड कॉलम्स विजिबल व्हाइल द रेस्ट ऑफ द वर्क शीट्स स्क्रॉल्स बेस्ड ऑन द करंट सिलेक्शन। तो ये स्क्रॉल करते समय हमें क्या चाहिए, अगर मैं यहाँ पे पहला वाला रो लगाता हूँ तो मैं नीचे स्क्रॉल करते समय ये ऑटोमेटिकली फिक्स रहता है, इधर उधर हिलता नहीं है। अगर मैं कॉलम को लगाता हूँ तो ये सीरियल नंबर एक जगह पे फिक्स था, तो वैसे ही मैं अगर यहाँ से इधर जाता हूँ, ओके, यहाँ से इधर जाता हूँ तो ये कॉलम दिखना चाहिए, ये सीरियल नंबर दिखना चाहिए, नाम दिखना चाहिए, उसका डिजिट दिखना चाहिए। ओके, या फिर मैं नीचे जाता हूँ तो ये ऊपर वाला कॉलम भी मुझे चाहिए, जो हेडलाइंस है ना, ये भी मुझे दिखना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड में सीरियल नंबर से लेके डिजिट तक मुझे ये फिक्स चाहिए, ये हिलने नहीं चाहिए ये कॉलम। ओके, और यहाँ पे ऊपर से लेके और सेकंड वाला जो रो है, यहाँ पे सारे के सारे ये मुझे फ्रीज करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे। ओके, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं फ्रीज पेन्स में और यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। ओके, देखिए पहला वाला रो तो यहाँ पे फिक्स रह गया। ओके, ये वाला हेडलाइंस वाला, ये वाला अभी हिल रहा नहीं है, देखिए मुँह नहीं हो रहा है। ओके, अभी मैं यहाँ से इस साइड जाता हूँ, देखता हूँ, देख पा रहे हैं आप। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करके कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने फ्रीज यहाँ पे पहला वाला जो लगाया था, तो इसकी वजह से हम लेफ्ट हैंड साइड में मैं सीरियल नंबर देख पा रहा हूँ, एम्प्लॉय कोड देख पा रहा हूँ, एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन देख पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जितना भी आगे जा सकता हूँ मैं एट द एंड ऑफ द शीट में भी जा सकता हूँ, और लेकिन ये जो चार कॉलम है वही की वही पे फ्रीज है। ओके, नहीं रहे, यानी कि अगर कोई डेटा उसके आगे हम बहुत बड़ा डेटा है और कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं तो इजी जाता है फाइंड आउट करने के लिए, किसका एग्जैक्टली हम किसका डेटा फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, इस तरह से हम एक कॉलम भी और कुछ फिक्स कॉलम्स भी और एक ये पहला वाला जो रो है, ओके, ये हम फ्रीज कर सकते हैं, और इस तरीके से हम डेटा में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।